चाचा जी प्रणाम। जय हिंद। का हाल चाल है हो छुआ लोगिन तोहिन के आज हम खोरठा सिलेबस यह बड़ा जे कर देल गेल है बाबू ओकरे बारे में बात करे ले आलियो। बाबू अधिकार तोरा मांगे से नहीं छीने से मिलतो। चाहे तो कुरमाली के सिलेबस देख, पंच परगनिया के सिलेबस देख, नागपुरी के सिलेबस देख, एतना बुचुक सिलेबस है लेकिन खोरठा के सिलेबस यह बड़ा काहे हो, कौन दुश्मनी हले हो। तो आज इस राज्य के करकारी वास्तविक प्रधान जे हेमंत चाचा जी है वकरा हमने अपन दुख सुनावे जा रही है। सुन चाचा जी, ये हमारा अकेले के दुख ना है हो। लगभग तो राज्य में 24 जिला है, 24 जिला में 18 जिला के लोग खारी खोरठे बोलो अथी, मतलब तो समझ कि 1.5 करोड़ जे आबादी हथी खाली खोरठे बोलो अथी। और 1.5 करोड़ आबादी में कितना नौजवान होती जे जे SSC CGL वाला एग्जाम लिखती, कैसे एकरा कवर करती हो। का दुश्मनी हले खोरठवा वाले से हो। बाबू अपना अधिकार को छीनना पड़ेगा, मांगने से नहीं मिलेगा। काहे कि जो ओरिजिनल झारखंडी होता है वो कभी शरीर से कमजोर नहीं रहा, भले हमार पूर्वज दिमाग से थोड़ा कमजोर रहती इसलिए शोषण करल गले। बाबू अब तोर पास दिमागो हो और शरीरो हो, अब तोरा कोई शोषण करे ना पड़तो, अपना अधिकार हको छीन के लावे पड़तो, मांगला से ना मिलतो। का हो चाचा जी, शायद आप ये भूल गए चाचा जी कि जो सत्ता की कुर्सी जिन नौजवानों के कंधे पे टिकी हुई है वो नौजवान को आप कुचलना चाहते हैं। चाचा जी, अगर ये नौजवान के कंधों पर से आपकी कुर्सी हट गई तो ना तो आपके कुर्सी के पांव बचेंगे, तो सत्ता की दूर की ही बात है। कहा चाचा जी, जब आप शपथ ले रहे थे उस समय राज्य को एक नजर से देखने का आपने वादा नहीं किया था क्या? आपने वादा तो किया होगा ना। तो ये कैसा संता हुआ चाचा जी, ये भिन्नता हुई ना। आप कैसी समानता कर रहे हैं चाचा जी, जब आपने शपथ लिया तो आपने ये वादा नहीं किया था क्या? क्या हम अपने राज्य को एक नजर से देखेंगे, अपने राज्य के नौजवानों को हम हमेशा एक नजर से देखेंगे? तो ये कहां गई है आपकी वादा, कहां गई है आपकी वादा चाचा जी? आप आपसे विनती है, और ये सिर्फ मेरी विनती नहीं, ये 1.5 करोड़ युवा की विनती है, कम से कम इसे आप स्वीकार कीजिए, नहीं तो इसका आपको अच्छा अनुभव अगला चुनाव में देखने को मिलेगा। आपने स्थानीय नीति तो लागू कर दिया, आपने 1932 का खतियान तो लागू कर दिया चाचा जी, कम से कम अभी आप इतना कीजिए, नियुक्ति वर्ष आपने घोषित किया वो भी आपने सफल बनाया, और जितने भी झारखंड के खोरठावासी लोग हैं बाबू, बहुत ऐसा तो नहीं है बाबू जी अंग्रेज बनो है, या तो अपन क्षेत्र के भाषा के तो भूलाल चाहे, कब विदेशी बन गए हो, रोजगार ना मिल तो विदेशी बन भे बाबू। अगर अपने परिवार और अपनी अपनी गरीबी को हटाना चाहते हो तो आपको अपने भाषा से प्यार करना पड़ेगा। यह है मैं पनुरियो जी कहले हले बाबू कि जे तो माँ के गोद में भाषा सिखानी, अगर वो भाषा से प्यार ना करी, मतलब तो अपन माँ से भी प्यार ना करी, अपन परिवार से भी ना प्यार करी, अगर अपनी हक की लड़ाई लड़नी है, अगर अपना अधिकार लेना है तो आपको अपनी भाषा की मर्यादा करनी होगी, आपको अपनी भाषा के लिए लड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, इसके लिए एक आंदोलन होगा बाबू। जब तक कि आपका सिलेबस छोटा नहीं हो जाता है, यहां समानता सबको नहीं मिल जाती है, तब तक आपको लड़ना पड़ेगा, इसके लिए आंदोलन किया जाएगा, इसके लिए संगठन बनाया जाएगा, सिर्फ आप लोगों की साथ चाहिए, और हम अकेले ना ही है बाबू। तो अहम 1.5 करोड़ आबादी है, हम अकेले ना ही हो, आवाज उठवेला भले हम ही है लेकिन साथ तोहनियों के चाही, और अगर साथ तोहनिन के मिल गले बाबू, जब जब विद्यार्थी बोला है बाबू सिंहासन डोला है, जरूर होगा। और ये आपने इसका कई एग्जाम्पल देखा होगा, इसको संगठन बनाना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, आपकी जो अधिकार है उसे छीनना पड़ेगा, मांगने से कुछ नहीं होगा।
चाचा जी प्रणाम।